फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सरोज की किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन है और घर में ज़्यादा सामान नहीं है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल तीन सामान से ही घर में चॉकलेट लावा केक बनाएंगे, और वो भी इटली के साँचे में। ये चार छोटे छोटे पैकेट टाइगर बिस्किट के हैं, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बिस्किट है। अगर चॉकलेट बिस्किट नहीं है तो आप सादे बिस्किट लेके उसमें कोको पाउडर डालेंगे तो भी यही फ्लेवर आएगा। ये दो में से आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, या तो घर में अगर डार्क चॉकलेट है तो आप डार्क चॉकलेट ले लीजिए, नहीं तो ऐसा कोई भी डेयरी मिल्क, कोई भी चॉकलेट, कोई भी डार्क चॉकलेट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और घोल घोलने के लिए थोड़ा सा दूध। हमारे बिस्किट को हम मिक्सी के जार में डाल लें और इनका पाउडर बना लेंगे। हमारे बिस्कुट पीस चुके हैं, अब इन बिस्किट्स को ऐसे छलनी में लेके छान लेंगे और इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हमारी जो डार्क चॉकलेट है उसको हम डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट करेंगे। ऐसे डबल बॉयलर पे धीरे धीरे चॉकलेट को मेल्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, ये देखिए हमारी चॉकलेट पूरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम लोग केक का बैटर बनाएंगे। जो बिस्किट हमने पीस के रखे हैं उनके साथ दूध को मिक्स करेंगे और घोल तैयार हो जाएगा। अब जब हम केक का घोल बनाएंगे उतनी देर के लिए इडली का साँचा चढ़ा के और पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी गर्म हो रहा है उतनी देर में हम अपने बिस्किट को दूध में घोल लेंगे और एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा दूध और जाएगा। चार पैकेट टाइगर बिस्किट लिए थे, आधा गिलास दूध में ये घुल गए हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मैरीगोल्ड बिस्किट ले लीजिए, पार्ले जी ले लीजिए, घर में जो भी बिस्किट है। कई बार ऐसे होता है हम लोग ज़्यादा बिस्किट ले आते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, वो कोई काम नहीं आता है, तो ऐसे केक बना के देंगे तो बच्चे अच्छे से अपना खा लेंगे। ये देखिए बस ऐसा घोल रखते हैं हम लोग को, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। हमारा पानी गर्म हो गया है, जरा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे आधी से कम चम्मच और इसको मिला लेंगे जिससे कि ये फूली फूली बने। बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, मीठा सोडा डाल सकते हैं, इनो डाल सकते हैं, वो फूलने के लिए ज़रूरी होता है। अब थोड़ा थोड़ा इडली का साँचा ले लिया है, इसको हल्का हल्का ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं चॉकलेट लावा केक। बस ऐसे एक एक चम्मच घोल डालेंगे, इसको हल्का सा टैप करेंगे और जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है वो बीच में रखेंगे। और इसके ऊपर फिर से केक का घोल डालेंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है, इस तरीके से इडली के साँचे में इनको डाल के और 20 मिनट के लिए इनको स्टीम करेंगे। ये देखिए चॉकलेट लावा केक तैयार है। अब इनको हम ठंडा करके फिर प्लेट निकालते हैं। ये देखिए हमारे चॉकलेट लावा केक तैयार हैं, बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। थैंक यू।